आप देख रहे हैं न्यूज इटकी। न्यूज इटकी में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। इटकी प्रखंड के कुल्ली गांव के पन फट्टा जंगल के निकट रविवार की रात एक जंगली हाथी की मौत हो गई। हाथी की मौत की खबर पाकर उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कई लोगों ने हाथी की पूजा भी की। सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों का दल घटनास्थल पहुंचकर हाथी के शव का पोस्टमार्टम कर घटनास्थल पर ही दफना दिया गया। जानकारी के मुताबिक करीब एक वर्ष के अंदर प्रखंड में हाथी की मौत की यह तीसरी घटना है। इससे पूर्व 23 जुलाई 2022 को केवंद बेड़ा और 10 अप्रैल 2023 को हरही गांव के समीप हाथी की मौत संभवतः विद्युत करंट से ही हो चुकी है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के कुल्ली भंडरा और चिनारोपुरियों के जंगलों में हाथियों ने अपने अस्थायी अड्डा बना रखा है। भोजन पानी की तलाश में हाथी जंगल से निकलकर खेतों में लगी फसल को अपना आहार बनाते हैं। फसलों को हाथी से बचाने के लिए किसान द्वारा खेत की घेराबंदी तार से की जाती है और रात में उसमें बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया जाता है। शायद इसी तार की चपेट में आने से रविवार रात में जंगली हाथी की मौत हो गई। इटकी प्रखंड के भ्रमणशील पशु चिकित्सक डॉक्टर शिवानंद काशी, बेडो के डॉक्टर नवीन कुमार, नगड़ी के डॉक्टर अभिमन्यु प्रसाद ने वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम की मौजूदगी में हाथी का पोस्टमार्टम किया।